हेलो, मैं हूँ विकास माजरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में एनसीईआरटी ने एक डायग्राम शो करके दिखाया है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो डायग्राम एनसीईआरटी में शो किया उसका कुछ पार्ट एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आता है, और क्वेश्चन पेपर में उसको शो करके उस पर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, देन उनसे आंसर पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। तो देखेंगे क्या क्वेश्चन होंगे, क्या डायग्राम दिया जाता है, और ये रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज होता क्या है। उससे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिस साइंटिस्ट का नाम था TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन वो साइंटिस्ट था जिसने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। दूसरा, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। वेरीफाई करने के लिए उसने जिस ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट था फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम होगा उसका ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। एक नंबर में आता है कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या था, या फिर थॉमस हंट मॉर्गन ने किस ऑर्गेनिज्म पर या किस फ्रूट फ्लाई पर, या फिर जिस फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका साइंटिफिक नेम बताओ। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि इस फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम होते हैं। फोर पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में होते हैं। चलो, तो एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई लिया। फ्रूट फ्लाई लिया क्यों लिया, क्वेश्चन अराइज होता है कि उसने फ्रूट फ्लाई क्यों सेलेक्ट की। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन को भी ले सकता था, या अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स को ले सकता था, लेकिन फ्रूट फ्लाई क्यों सेलेक्ट, उसके पीछे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन इसका जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम सिर्फ 2 वीक का है। 2 वीक में उसे नई फ्रूट फ्लाई मिल जाती है। दूसरा, एक जनरेशन में, या ये कह सकते हैं एक क्रॉस के बाद लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ये फ्रूट फ्लाई प्रोड्यूस करती है। तो जितने ज्यादा होंगे वेरिएशन शो कर, वेरिएशन जो होगी उसमें वो देख सकता है। दूसरा, सॉरी, तीसरा तीसरा देखते हैं कि मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई में मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता था वो। क्यों? क्योंकि मेल का साइज स्मॉल था और फीमेल का लार्ज था। तीसरा, सॉरी, चौथा, फोर्थ फोर्थ पॉइंट ये है कि लेबोरेटरी में इस फ्रूट फ्लाई को इजीली ग्रो कर सकता था, यानी कि हैंडल जो है वो इजीली कर सकता था। इसीलिए उसने फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको वेरीफाई किया। दूसरा, उसने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया। सबसे पहले देखते हैं लिंकेज क्या है। तो लिंकेज है, लिंकेज मतलब इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है जीन। These are the location of gene on the chromosome. For example, this is A, B, C, D, E, F, G और H. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ जीन मैंने एक क्रोमोसोम पर दिखाई। तो अगर ए और बी जीन को देखता तो क्या है ये आपस में एक दूसरे के साथ एक क्रोमोसोम पर है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो ये जीन क्या हो गई, लिंक्ड जीन। ऐसे ही अगर मैं देखूं ए बी सी, तो ए बी सी क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगी, लिंक्ड जीन होगी। और अगर मैं कहूं कि ऑल द जीन्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम ऑन सॉरी ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप,
उसको बोला जाता है लिंकेज ग्रुप। अगर एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन है उन सबको मिलाकर बोल दिया जाता है लिंकेज ग्रुप। और अगर जीन्स के बीच में क्या है या ये कह सकते हैं जो क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। अब ये जो लिंक्ड जीन है ये लिंक जीन में भी हमारी दो टाइप आ जाती है, या ये कह सकते हैं जो लिंकेज है वो दो टाइप की होती है। एक लिंकेज होती है कंप्लीट लिंकेज, एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब समझते हैं इसका। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन ए ये जीन बी। दूसरा मेरे पास एक और क्रोमोसोम है दैट इज ए और बी। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि जो गैप है वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। तो अगर दो जीन के बीच में गैप कम हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। दूसरा अगर दो जीन के बीच में गैप ज्यादा है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज एंड दिस इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। दो जीन आपस में जितनी ज्यादा नजदीक होगी लिंकेज उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और दो जीन आपस में जितनी ज्यादा दूर होगी लिंकेज उतना ही वीक होगा। और लिंकेज जितना ज्यादा वीक होगा क्रॉसिंग ओवर या फिर इसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। अगर दो जीन के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, और गैप जितना कम होगा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही कम होंगे। अब ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन क्या है, वैसे तो ये बहुत अच्छे से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जब मियोसिस पढ़ी थी। उस मियोसिस में हमने पढ़ा था कि ये रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। एक प्रोकाइटिन स्टेज आती है मियोसिस में, प्रोफेज में थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है। उस फेज में आया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर सिंपल इट इज ए एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? फॉर एग्जांपल ये है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्योंकि ये आपका एक क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड और ये दूसरा रेप्लिकेटेड। अब ये इसकी क्रोमेटिड है, ये इसकी क्रोमेटिड है। दैट मीन एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड होती है तो वो सिस्टर क्रोमेटिड होती है। और ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी जब हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी कि सिस्टर क्रोमेटिड तो नॉन सिस्टर कौन सी होगी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो ये है एक ये है तो ये क्रोमेटिड और जो दूसरे पेयर की जो क्रोमेटिड है ऑब्वियस सी बात है ये आपस में क्या होंगी, ये आपस में नॉन सिस्टर होंगे। अब इस रिकॉम्बिनेशन को समझते हैं क्या है। मैंने क्या कहा एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में किसका जीन का एक्सचेंज क्या कहलाता है, आपका रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। देखते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये लो जी ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, इस पर ये जीन है ए और ये जीन हो गई कैपिटल। पेयर में ऑब्वियस सी बात है हेटरोजाइगस कंडीशन में शो की है। अब हुआ इनमें क्रॉसिंग ओवर, यहां देखिए क्रॉसिंग ओवर मतलब ये चियाज मेटा बना था, वो एक्चुअली बॉडी बनी थी चियाज मेटा बोला था उसको। यहां पर क्या हुआ ए जीन थी यहां
और कैपिटल ए वो थी इस पर, ये कैपिटल ए थी, इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हो गई ए जी, यहां से लेकर यहां तक हो गई ए जी। तो यहां से इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक हो गई कैपिटल ए और यहां से लेकर यहां तक हो गई स्मॉल ए। तो एक एंजाइम होता है रिकम्बिनेज, और रिकम्बिनेज क्या कराता है, रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर करा देता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन करा देता है। चलो ये आ गया इसका, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद जब ये सेग्रीगेट होंगे तो कैसे एक्सचेंज होगा हमारा, यहां देख लेते हैं। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, डिफरेंस नजर आ रहा होगा यहां से लेकर यहां तक हो गई ए जी, यहां से यहां तक हो गई बी जी। अब यहां पर अगर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है तो आपको रिकॉम्बिनेशन भी समझ आ गया, कैसे फिर से देखते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, इस पर जीन है ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सेम क्रोम आपकी जो जीन्स है वो सेम नहीं है। यहां पर हो गई क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज, यहां पर एक्सचेंज हुआ यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ या एक्सचेंज हुआ एक ही बात है, यहां एक्सचेंज हुआ। और जब ये क्रॉसिंग ओवर सेग्रीगेट हुआ यानी कि जो क्रोमेटिड थी जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कर रही थी, जब वो अलग अलग हुई तो अलग होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, जो ये थी जीन ये कहां पहुंच गई इस साइड, और जो इस साइड थी वो कहां पहुंच गई इस साइड। यहां पर ये मैंने दिखाया है आपको समझाने के लिए बताया है, ये होता है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉम्बिनेशन का लिंकेज से क्या लेना देना है। मैंने अभी बताया था कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का सीधा सीधा रिश्ता ये है कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी उतना ही लेस रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन लेस होगा, और जितना वीक लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाएगा, हाई रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का ये रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ए बी, ए बी कहां है कंप्लीट लिंकेज और इनकंप्लीट, यहां कंप्लीट है और यहां इनकंप्लीट है, मतलब यहां पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा या कम, ऑब्वियसली बात है लेस। रिकॉम्बिनेशन कहां ज्यादा, यहां ज्यादा, क्यों ज्यादा, दो जीन के बीच में गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है, इसको बोलते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कनेक्शन। तो इस तरीके से जुड़े हुए क्वेश्चन भी यही आता है आपका कि इन विच कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज हाई, किस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। दूसरा, या फिर ये पूछा जा सकता है किस कंडीशन में पेरेंटल और नॉन पेरेंटल, पेरेंटल ज्यादा होंगे और नॉन पेरेंटल कम होंगे,
नॉन पेरेंटल और पेरेंटल समझते क्या है? पेरेंटल का मतलब होता है जो पेरेंट जैसा नजर आए, और नॉन पेरेंटल या फिर उसका दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट, यानी कि रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन पेरेंटल, मतलब जो पेरेंट जैसा बिल्कुल ना दिख रहा हो, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट ना पेरेंट जैसा हो, थोड़ा सा अंतर आ रहा हो, तो वो क्या कहलाता है नॉन पेरेंटल, और जो या रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट नॉट रिकॉम्बिनेशन, इट्स नॉन पेरेंटल दैट मीन रिकॉम्बिनेंट, नॉन पेरेंटल यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी रिकॉम्बिनेंट, मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दिया, नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट, मतलब वहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और पेरेंटल का मतलब है कि वहां पर लिंकेज स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए वो पेरेंट जैसा नजर आया। इसको ड्रोसोफिला के एक क्रॉस से समझते हैं। टीएच मॉर्गन ने क्या किया, दो कंडीशन में ए और बी, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही एनसीईआरटी का आपका वो एग्जांपल है जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझा रहा है। वैसे मैंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बता दिया है कि लिंकेज दो जीन्स के बीच, एक क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होती है उनका जो क्या होता है कनेक्शन या एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज ऑफ जीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन डेफिनेटली लिंकेज उतनी ही वीक, ऑब्वियसली बात है, और जितना कम रिकॉम्बिनेशन दैट मीन उतनी ही ज्यादा लिंकेज, इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए इनको साथ दिया हुआ है। चलो देखते हैं कंडीशन क्या है। ये ड्रोसोफिला है फीमेल, कैसी है, डायबिट क्रॉस किया गया, डायबिट क्रॉस में करेक्टर कौन कौन से लिए गए, करेक्टर लिए गए बॉडी का और आई कलर, बॉडी का कलर और आई कलर, दो कलर। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल कैसी थी, फीमेल जो थी वो थी आपकी वाइट आई और येलो, येलो को डिनोट किया स्मॉल वाई से, वाइट को डिनोट कर दिया डब्ल्यू से। चलो ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया वाई, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया वाई, ये मेल लिया, ये मेल है, यहां इसको डिनोट कर दिया डब्ल्यू को डिनोट कर दिया प्लस से, और यहां करके इस वाई को प्लस से। प्लस का मतलब है यहां मैंने मेंशन किया है आई कलर रेड है, डोमिनेंट है, तो उसको W यानी कि प्लस से डिनोट करते हैं, और जो वाइट है उसको सिंपल W से किया। वैसे ही जो ब्राउन कलर था उसको डोमिनेंट Y प्लस से डिनोट किया क्योंकि ये डोमिनेंट था। अब जहां कंफ्यूजन होता है वो ये है कि यहां पर तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे दिखाए और यहां पर ही क्रोमोसोम ऐसे दिखा दिया, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये होता है एक्स, सॉरी ये होता है वाई क्रोमोसोम, ये होता है एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में दोनों होते हैं एक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये है हमारा ऊपर वाला लिंकेज, ऊपर और नीचे यानी कि जो क्रोमोसोम है ये हमारे लिंकेज, यानी कि एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन है वो क्या कहलाती है लिंकेज। और लिंक्ड जीन कौन कौन सी है, यानी कि वाइट आई और येलो बॉडी, इनकी जो जीन है। अब यहां पर समझने की चीज है जहां पर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, व्हाइट आई और येलो बॉडी, दैट मीन आई कलर और बॉडी कलर की जो जीन होती है ना वो एक्स क्रोमोसोम पर होती है, एक्स पर, वाई पर नहीं होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बॉडी कलर, आई कलर और तीसरा एक और हम नीचे कलर ले रहे हैं विंग की शेप, ये सभी करेक्टर ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, इनकी जो जीन है वाई क्रोमोसोम पर इनकी जीन नहीं होती, इसीलिए हमने उसको ऐसे डिनोट किया है, वाई पर नहीं होती, सिर्फ एक्स पर होती है।
सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि ये क्यों, क्या है ये क्या है, और उसके नीचे लिख दिया जाता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप ऐसे क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ वो ऐसा मिलता है। तो सीधी सी बात है, जो आई का कलर है, रिंग की शेप है, बॉडी का कलर है, उन सब की जीन एक्स क्रोमोसोम पर होती है, वाई पर नहीं होती। क्लियर है? आगे भी इस टर्म को यूज करेंगे, ह्यूमन में भी कुछ ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिनकी जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होती है, यानी कि वाई पर नहीं होती, और उनको क्योंकि उनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होती है उनको सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। तो दैट मीन अब जो हम पढ़ रहे हैं करेक्टर्स, ये जो करेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन सबको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स। क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड करेक्टर। सेक्स लिंक्ड क्यों? लिंक्ड किसके साथ लिंक्ड है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन होगी ना वो सारी सेक्स लिंक्ड कहलाएंगी। चलो, उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद ऑब्वियसली बात है F1 का रिजल्ट आया। F1 का रिजल्ट आया तो उसने क्या नोटिस किया, तो उसने क्या देखा, ये तो हो गई फीमेल, और मेल कैसे आए, ये हो गया। जिसने मैंने जिसने क्रॉस बड़े ध्यान से पढ़ा होगा ना उसके लिए बड़ा सिंपल होगा ये समझना। कैसे? सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल आप गैमेट्स बनाओ, अगर आप गैमेट्स बनाते हो तो गैमेट्स इसके क्या गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे ये हो गया एक एक्स क्रोमोसोम, इसका हो गया डब्ल्यू और वाई, दोनों गैमेट यही बनेंगे W और Y। इसके गैमेट बनाओ, इसके क्या बनेंगे, और दूसरा ये बनेगा। अब इसको इसके साथ क्रॉस करो, इसको इसके साथ करो, इसके साथ क्या रिजल्ट आएगा, इसको इसके साथ करेंगे रिजल्ट आएगा ये, इसको इसके साथ करोगे तो भी रिजल्ट ये, इसको इसके साथ करोगे तो भी रिजल्ट ये, और इसको इसके साथ करोगे तो भी रिजल्ट ये। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल कैसे आई, अब फीमेल जो है वो हो गई हमारी कैसी, क्या कलर था ये, रेड, ये कौन सा कलर था, वाई, ब्राउन, यानी कि जो फीमेल है वो रेड आई और ब्राउन कलर की हो गई, और जो हमारा मेल था वो कैसा हो गया, ऑब्वियस सी बात है कैसा था, वाइट और येलो, सिंपल सी बात है। यहां तक समझ आ गया? अब उसने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस करने के लिए छोड़ दिया, छोड़ दिया यानी कि सेल्फिंग कराई। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में तो सेल्फिंग ही कराते हैं। फिर उसने क्या कराया, F1 को इंटरक्रॉस कराया, हम सेल्फिंग कराई उसने। तो अब यहां से हम क्या देखेंगे, जो आपके NCERT में जो डायग्राम दे रखा है हम उसको समझेंगे। अब यहां से उस NCERT वाले डायग्राम को हम यहां से देखेंगे, ये है हमारा NCERT का डायग्राम, ये है हमारा क्रॉस ए। क्रॉस ए में साफ साफ लिखा है और दिख रहा है कि दो जीन के बीच में गैप कितना है। पहले क्रॉस ए को ही देखेंगे हम, क्रॉस ए देखा लिंकेज समझने के लिए और रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए, ये क्रॉस दिया गया है हमारे सामने। तो पहले क्रॉस ए देखते हैं, ये फीमेल है, ये मेल है, ये वाई क्रोमोसोम हो गया जो अभी मैंने शो किया था। फिर उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन के बाद यहां पर इसने क्या लिखा हुआ है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल F1 जनरेशन के बाद उसने जब नोटिस किया तो उसने क्या देखा, जो F2 जनरेशन है यानी कि F1 जनरेशन में क्रॉस करने के बाद, क्योंकि उनको सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट
पहला हाइब्रिडाइजेशन था, सॉरी पहला सिलेक्शन ऑफ पेयर था, फिर हाइब्रिडाइजेशन था, फिर सेल्फिंग था। तो यहां पर सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन में ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में ये ऊपर वाले चार तो हो गए मेल और ये नीचे वाले चार हो गई फीमेल। साफ साफ है, हम देख सकते हैं कि जिसमें ये आया है इसका मतलब वो वाई क्रोमोसोम है। तो यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि पेरेंटल, पेरेंटल टाइप मतलब पेरेंट जैसे दिखने वाले कितने हैं, कितने परसेंट आए, 98.7%। और रिकॉम्बिनेंट यानी कि नॉन पेरेंटल कितने आए, 1.3%। क्वेश्चन अराइज हुआ क्यों आए, पेरेंटल टाइप 98.7 आए और रिकॉम्बिनेंट 1.3 आए, किस कंडीशन में, जब जीन दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक थी यानी कि कंप्लीट लिंकेज थी। अब देखते हैं हम दूसरी क्रॉस बी। इस क्रॉस बी में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा दो करेक्टर लिए हैं एक क्रोमोजोम पर और उनके बीच में जो गैप नजर आ रहा है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। कंपेयर करते हैं, देखो यहां गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। यहां पर उसने वाई टाइप और मिनिएचर ये विंकी शेप थी ये लिया और वाई टाइप के साथ क्रॉस करा दिया, यानी कि रेड और नॉर्मल के साथ, रेड आई और नॉर्मल विंग्स के साथ उसने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन ये आया, F1 को सेल्फिंग के लिए छोड़ा यानी कि सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद यहां देखा उसने पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। जब पेरेंटल देखे तो यहां आए 62.8% और रिकॉम्बिनेंट आए 37.2%। फिर से वही चार मेल हैं, चार फीमेल हैं, तो यहां पर उसने पेरेंटल टाइप देखे और रिकॉम्बिनेंट देखे और अब दोनों को कंपेयर करते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पेरेंटल कितने हैं 98.7 और यहां पेरेंटल कितने हैं 62.8, यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 1.3%, ओनली 3%, 1.3%, और यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 37.2%। क्यों आया डिफरेंस, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डिफरेंस आने का सिर्फ एक ही कारण है कि इन दो जीन के बीच में गैप जो है वो क्या है, कम है। और मैंने पहले ही कहा था गैप अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और अगर गैप ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इन दोनों को हम देखें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है साफ साफ। तो ये था आपका ये डायग्राम जहां जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों दिखाया, तो वो सिर्फ यही रीजन है कि वाई क्रोमोजोम पर क्या होती है ये जो जितने भी तीन करेक्टर लिए हमने, तीनों करेक्टर की किसी की भी जीन वाई क्रोमोजोम पर होती ही नहीं। तो यहां पर बेसिकली आपको ये चीज दिखाई गई है। अब इस डायग्राम का कंफ्यूजन हो गया दूर। अब क्वेश्चन क्या देते हैं आपको, ये ऊपर वाला डायग्राम दे दिया जाता है, ऊपर वाला डायग्राम देके और ये पूछा जाता है इन विच क्रॉस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज हाई एंड व्हाई। इन दोनों क्रॉस में से, क्रॉस ए और बी में से, किसमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी और क्यों होगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा होगी क्योंकि लिंकेज इसमें इनकम्प्लीट है यानी कि दो जीन के बीच में गैप ज्यादा है। ये था आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया, किसने किया, एक मेंडल का स्टूडेंट था, सॉरी मेंडल कह रहा हूं, टी एच मॉर्गन का एक स्टूडेंट था एल्फर्ड स्टोरवेंट, ये एक साइंटिस्ट ही था और मॉर्गन के नीचे काम करता। इसने क्या चीज नोटिस की, इसने ये चीज नोटिस की कि क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट थे, जीन प्रेजेंट थे। उसने क्या किया, उसने इनकी लोकेशन को देख लिया कि एक से दूसरे जीन के बीच में कितना गैप है और दूसरा कि कौन सी जीन कहां पर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मैपिंग। यानी कि इसने, एल्फर्ड ने क्या किया, क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया, या ये कह सकते हैं जीन की लोकेशन को मैप कर दिया, या ये कह सकते हैं लोकस ढूंढ लिया। लोकस का मतलब होता है जीन की क्रोमोसोम पर लोकेशन, उसको लोकस बोलते हैं। तो उसने लोकस देख लिया, दैट मीन जीन की लोकेशन देख ली कि भैया कलर की जीन तो यहां है क्रोमोसोम पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ये क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कलर की आई कलर की जीन यहाँ है भाई, सबसे ऊपर ही है। अगर शेप की बात करें, विंग शेप की बात करें, तो भाई वो नीचे है।
तो ये क्या हो गए, जीन की लोकस या मैप्ड कह सकते हैं इसको, उसने उसने क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी जीन कहाँ है। इसका फायदा ये हुआ कि जो आगे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिसमें यही चल रहा था कि कौन सी जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लस हम उससे ये भी पता लगा सकते थे कि भैया जीन का अगर पता लग जाए कोई डिफेक्टेड जीन है तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा जीन मैपिंग। ये एक नंबर में आ सकता है जीन मैपिंग क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ इसका इतना ही दे रखा है और फॉर एग्जांपल ये पूछ लेता है कि भैया एक जीन ये है, एक जीन ये है और एक जीन ये है, तो ऑब्वियसली बात है इनमें से कंप्लीट लिंकेज किसमें होगी, जो मैपिंग दी है आपको, जो मैपिंग आपको दी है, मैप जीन जो दी है क्रोमोसोम पर, किसमें किसमें कंप्लीट लिंकेज होगी और किसमें इनकम्प्लीट होगी। तो ऑब्वियसली बात है ए और सी के बीच में कंप्लीट लिंकेज है और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बात करें तो इनकम्प्लीट है। सी और बी की बात करें किसके कंपेरिजन में, ए और बी के बीच में, ए और बी के, ए और बी और सी और बी इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं कि भैया किसमें कंप्लीट लिंकेज है, ऑब्वियसली बात है सी और बी में, या ये आ जाए कि ए और सी और बी में किसमें कंप्लीट और किसमें इनकम्प्लीट है, तो वो भी हमारे सामने। तो ये था हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें से डायग्राम शो करके या फिर टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होती है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का।